हमें कुछ इतलात मिली कि आपने हुकूमत को मदद करने की कोशिश की कि ये जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है तो आप इंगेज करें टीएलपी वालों को। आपको हुकूमत से किसी ने दरख्वास्त की इसकी? देखिए, मुझे इमरान खान साहब ने एजाज चौधरी साहब की मौजूदगी में ये बात की थी, गवर्नर से बहुत से लोग मौजूद जब मैं मिला था कि आप इनसे हमारे लिए को मामला रास्ता तैयार करें। वो मैं थोड़ी सी ऐसा सा बात कर रहा था, हालात खराब हो गए तो जुमेरात को दोबारा कहा गया कि कुछ करें, तो मैं जुमेरात को शाम को उनसे मिला कोई 9:30 बजे के बाद। साद रिजवी से मिले आप? जी नहीं, साद रिजवी साहब ने, साद रिजवी साहब से मैं पहले मिल चुका हुआ था जेल, उससे पहले मैं मिला इनसे जाके वहाँ पर उनकी शूरा थे, ठीक है, वहाँ पर धरने पे, ठीक। उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे पास जो फ्रांस के सफीर का मसला है ये तो बहुत पहले से हल हो चुका हुआ है, क्योंकि खादम हसैन रिजवी साहब खुद एक वायदा करके चले गए हुए हैं कि हम ये पार्लियामेंट में कर्दात पास होगी, हम उसको अब नहीं उठाना चाहते, क्योंकि वो तय कर चुका है, वो हुकूमत जाने और वो कर्दात जाने। हमारे पास अब 3 मुतालबे हैं। नंबर 1 मुतालबा है कि साद रिजवी साहब को और बाकी कैदियों को रिहा किया जाए और उनकी जो शेड्यूल 4 खत्म किया जाए। नंबर 2 ये है कि हमारे खिलाफ जो इस किस्म की आपने पाबंदी कलजम की लगाई है उसको खत्म किया जाए, ताकि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ना आप अदालत में जाते हैं ना आप कमिश्नर में जाते हैं। और 3रा मुतालबा ये है कि केसेस खत्म किए जाए। मैंने कहा था 2 मुतालबात तो ठीक है, वो मैं आपको बहन कह देता हूँ, लेकिन 3रा जो है केसेस का उसमें अदालत होती है वो लंबा चलेगा। ये लेके मैं पर जेल रोड में एजाज चौधरी साहब के पास आया, उनका तहरीक इंसाफ के दफ्तर में जलसा हो रहा था, वो निकल के बाहर आए मेरे पास गाड़ी में बैठे, मेरे सामने उन्होंने 2 मुतालबात इमरान खान साहब को भेजे तो उसमें अपना मैसेज करके। उसके बाद मैंने इंतजार किया सुबह, फिर उन्होंने कहा कि खान रात को खान साहब सुबह आ रहे हैं। सुबह आके खान साहब ने मीटिंगें शुरू की तो मुझे टीएलपी वालों ने कहना शुरू किया कि सर हमने जुमे के बाद मार्च निकालना है, आप सीएम से कहें, पीएम से कहें, एक कमेटी अनाउंस कर दें ताकि हम इस मार्च को पोस्टपोन कर दें। मुझे उनके शेरशाह साहब बाकी लोग भी फोन करते रहे, 19 फोन आए मुझे उनके। 1 बजे के करीब आखिरी फोन आया कि सर अगर कमेटी नहीं अनाउंस हो रही, आप नहीं कर रहे, तो फिर अब अल्लाह हाफिज, अब हम जुमे पे जा रहे हैं, अब खुदा हाफिज। उसके बाद मैंने फिर उनको खुदा हाफिज कह दिया। ये सब खत्म हो रहा था कि जिस